हम जानते हैं कि आप हमारी चॉकलेट चुनौतियों से कितना प्यार करते हैं और इसलिए हम आप सबके लिए एक नई चुनौती लेकर आए हैं। चलिए शुरू करें। कैमिला और ब्रिटनी दुनिया के सबसे उबाऊ क्लास में हैं। और अगर कैमिला का फोन जादुई नहीं निकला होता तो वह उसी तरह रहता। अरे वाह, जरा देखो यह क्या करने में सक्षम है, गजब का। ब्रिटनी जितना संभव हो उस गैजेट से बाहर निकाले जा रही है। लालच बूढ़ी बल्ला होती है दोस्त। वह उस केक को पाने के लिए दृढ़ थी और फोन को तोड़ दिया। और ईमानदारी से कहें तो उसे मिल गया, लेकिन उससे वह उतना खुश नहीं हुई जितना उसने सोचा था। ठीक है, अब कृपया इसे कैमिला को ही संभालने दे, धन्यवाद। ओह, एक चॉकलेट का फव्वारा। जब एक चॉकलेट फव्वारा सामने दिखाई देता है तो आपको उसमें अपने व्यंजन को डुबोना शुरू कर देना चाहिए। अरे वाह, कैमिला का मार्शमेलोज मिला है और ब्रिटनी को मिर्च। ओह, कैमिला शुरू करने का और इंतजार नहीं कर सकती। केवल उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि फोंड्यू का इतना शानदार प्रभाव होगा। कौन जानता था कि उसकी डिश वास्तव में बेहतर हो सकती थी और बड़ी भी। कैमिला उसके बोझ से गिर ही पड़ी। अरे, अब हंसने की बारी कैमिला की है। ब्रिटनी, अब तुम और तुम्हारे तीखे मिर्च का समय है। और यह उतना बुरा नहीं होता अगर वह चॉकलेट पहले ही खत्म नहीं हो गए होते। वह चॉकलेट फाउंटेन सूख गए हैं और इसका मतलब है वह इसे चॉकलेट के बिना ही खाएगी और वह इसके जलन को तुरंत ही महसूस करती है। कैमिला के विशाल मार्शमेलो ने आग पकड़ ली है, कोई मदद करो। ब्रिटनी उस आग को बुझाने के लिए अपनी शक्ति के अनुरूप सब कुछ कर रही है, पर शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। कैमिला, तो हमें दिखाओ इस बार तुम्हें क्या मिला है। एक और अद्भुत व्यंजन, लेकिन इसका मतलब है कि दुर्भाग्य से ब्रिटनी को कुछ कम स्वादिष्ट फिर से मिला है, ब्रोकली। लेकिन वह वास्तव में खुश लग रही है। क्या सच में उसे लगता है कि वह फूल है? तो मैं शुरू करती हूँ। नहीं, इतना काफी नहीं है। हाँ, अब ये हुई ना बात। यह लाजवाब होने वाला है। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी सबसे अच्छी जोड़ी होती है। मैं तो ऐसे बहुत सारे खा सकती हूँ। ओह, ब्रिटनी अभी भी अपने सब्जी के साथ खेल रही है। वो उसे पानी में क्यों डाल रही है? वो लड़की कभी कभी कितना अजीब व्यवहार करती है। कैमिला फिर से खुशकिस्मत निकली। इन ओरियोस के साथ तो उसके तीन में से तीन दौर अच्छे गए। और नींबू के अलावा और कुछ नहीं ब्रिटनी के लिए। कैमिला के पास एक आइडिया है, चलिए देखते हैं कि वो क्या करने जा रही है। वो कुकीज को एक बेहतरीन चीज में बदलने वाली है। चॉकलेट से ढक के चॉकलेट कुकीज, यह तो लाजवाब होंगे। ब्रिटनी तो उसे खाने के लिए सिर्फ सपने देख सकती है, लेकिन नहीं, उसे अपने भयानक खट्टे नींबू खाने होंगे। लेकिन सामने जो परिस्थिति हो उसका सामना करो। ब्रिटनी स्पष्ट रूप से कुछ तो करने जा रही है। कैमिला की नजर उस बदले हुए फब्बारे पर गई है और उसे यह सरप्राइज काफी अच्छा लगा। क्या यह सही चाल थी? उसके चेहरे को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। उसे यह खट्टा स्वाद को हटाना है और वह फव्वारे की ओर गई और यह एक गलती हो गई। अब शायद यह स्वाद उसके मुंह से कभी न जाए। और कैमिला इसके लिए तुरंत ब्रिटनी को धन्यवाद दे सकती हो। इस राउंड में आपको क्या लगता है कि मेज पर क्या होंगी? हमेशा की तरह अच्छी चीज कैमिला को मिली है। चीजें तो बहुत बुरी हो रही है, लेकिन निश्चित रूप से उसके लिए अच्छे हैं। ब्रिटनी, कोशिश करो कि अपने नाक से सांस ना लो। क्या उस बदबूदार चीज को चॉकलेट में ढकने से कुछ मदद होगी? पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है।
नहीं, किसी तरह इसका स्वाद और बुरा हो गया। हाँ, इसे खाना तो असंभव है, छी। और दूसरी तरफ कैमिला को तो रोक ही नहीं सकते, वो अपने मुंह को भरे जा रही है। क्या आपको पता है कि बहुत सारे केले खाने से आप पर एक अजीब असर हो सकता है? सच में बहुत ही अजीब। कैमिला, आप खुद ही एक केले में बदल गई है, यह अच्छा नहीं हो सकता। और देखिए, हे भगवान, वो खुद के हाथ को खाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर से दिन को बचाने के लिए आ गई है ब्रिटनी, और कैमिला तुरंत पहले की तरह बदल गई है। ओह, फ्रेंच फ्राइज, यह तो शानदार होते अगर ब्रिटनी को इसे चॉकलेट में नहीं डुबोना होता। कैमिला के पास एक छोटा शक्कर है, यह तो ऐसे ही स्वादिष्ट होता है, पर चॉकलेट में ढकने के बाद कैसे होंगे? वो अपने बहुत ही छोटे व्यंजन को बदलना चाहती है, यह काफी नहीं है उसके लिए। कैमिला ने बहुत ही बड़ा साइज चुना है। तो अब क्या? कैमिला स्पष्ट रूप से अपने बड़े लॉलीपॉप को बहुत पसंद करती है, और उसे दोष भी नहीं दे सकते, मुझे भी ऐसा ही लगता। ब्रिटनी भी अपने फ्राइज के ऊपर चॉकलेट डालने में उसे खुश नहीं है, लेकिन तब भी उसने किया। और उसका व्यंजन 100% चॉकलेट में बदल गया। यह तो एकदम अलग ही कहानी है, और स्वादिष्ट भी। एक बार फिर से किस्मत ब्रिटनी के ऊपर मेहरबान है, उसे मिला है गम और चीजें सच में बदल गई हैं। कैमिला के लिए छी, मछली। ब्रिटनी के साथ जो हुआ उसके बाद से उसे दोस्त के ऊपर दया नहीं आ रही है। किसे पता था कि गम चॉकलेट के साथ इतना अच्छा लगेगा? और दूसरी तरफ कैमिला तो अपने भयानक मछली को पकड़ तक नहीं पा रही है, और इस पर तो ब्रिटनी का ध्यान तक नहीं गया है। मछली उड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है, और कैमिला के हिसाब से अच्छा ही हुआ है। लेकिन सच में यह कहाँ गया होगा? और हम यहाँ देखते हैं कि एक मासूम लड़की के खाने को खराब होते हुए एक मछली की वजह से, और वो अपने सूप में इसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं है, और जहाँ से आया उसे वहाँ वापस भेज दिया। ओह, कैमिला उसके वापसी से खुश नहीं है, बहुत ही गंदा। ब्रिटनी के बड़े बबल को तो देखो ध्यान से, वह चीज तो काफी बड़ी लग रही है। ब्रिटनी नहीं, वह कभी नहीं सुनती है। उप्स। तीन की गिनती पर उन ढक्कनों को हटाओ। ब्रिटनी के लिए गमी आईबॉल्स, इसकी उम्मीद नहीं थी। और कैमिला के लिए अंडे, यह तो स्वादिष्ट नहीं होगा। खाने वक्त तो वो आंखें आपको जरूर देखती है, लेकिन यार यह बहुत स्वादिष्ट है। कैमिला अपने व्यंजन के बारे में काफी निराश है, और हम यह समझ सकते हैं। चॉकलेट और अंडे को कभी मिलाना नहीं चाहिए था, लेकिन एक चमत्कार से सब बदल गया। अब उसके हाथ में एक चॉकलेट अंडा है, तो ज्यादा भागशाली कौन निकला? कैमिला को बिल्कुल नहीं पता था कि उसके छीन छूने से ऐसा हो सकता है, लेकिन वह यह जानकर खुश है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह जादू हर किसी के लिए काम करेगी? उदाहरण के लिए ब्रिटनी। लगता तो नहीं है, लेकिन इसके परिणाम तो निश्चित रूप से हमारे लिए मजेदार थे। इस शानदार वीडियो को अपने दोस्तों को दिखाएं, लाइक बटन दबाएं और कमेंट भी जरूर करें। हम जल्द ही नए वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों।